स्टूडेंट्स माई सेल्फ हरिवंश प्रताप सिंह करेंटली आई एम वर्किंग विथ ए बी एस इंजीनियरिंग कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टुडे आई विल कवर द टॉपिक ऑन डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक एंड टुडे टॉपिक इज वॉट ग्राफ इट्स अ डेफिनेशन इट्स अ टर्मिनोलॉजी वट आर द यूज इन द ग्राफ एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ मल्टी ग्राफ एंड बाई ग्राफ राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज द ग्राफ बेसिकली इसका यूज क्या है ये आपको जानना जरूरी है राइट जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की अगर हम बात करें फेसबुक वो पूरा ग्राफ पे है पूरा ही जो आपका आर्किटेक्चर है फेसबुक का वो ग्राफ है मैं आपको समझा सकता हूँ दो मिनट में कि एक्चुअली आप क्या करते हो फेसबुक में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो लोगों को राइट तो फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या होता है फ्रेंड की चेन बढ़ती जाती है मल्टीपल फ्रेंड्स हो जाते हैं आपके फिर उनके फ्रेंड्स फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स तो एक सर्किल बन जाता है फ्रेंड्स का नेटवर्क बन जाता है राइट right? अगर हम देखें तो दीज आर द ग्राफ एक्चुअली अगर एक पर्सन की प्रोफाइल को हम एक नोड मान लें एक वर्टेक्स मान लें और जो कनेक्शन है वो पाथ का है राइट right? तो अभी आप क्या करते हैं जब आप सर्च करते हैं अपने फ्रेंड को अगर एक ट्री मान ले बन रहा है ट्री इज़ ऑल्सो ग्राफ राइट अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था तो क्या है कि अगर उसको ग्राफ मान लें या ट्री मान लें तो क्या होता है जितने भी फ्रेंड्स कनेक्टेड होंगे जो डायरेक्ट आपके फ्रेंड हैं वो क्या होंगे आपके प्रोफाइल से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे राइट right? आ रही बात समझ में एंड आफ्टर दैट जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो क्या होंगे दो नोट्स के बीच में जो लाइक like करेंगे ओवरलैप करेंगे अगर आपको अपने फ्रेंड सर्च करना है तो बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम कौन सी होगी ऑब्वियसली फर्स्ट सर्च क्योंकि डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड फर्स्ट लेवल में सारे मिल जाएंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड सर्च करना है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च लगेगी ईजिली सर्च करेगा वो क्योंकि लीफ नोड में आपके कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कनेक्टेड है तो वो सर्च करके दे देगा तो होल आर्किटेक्चर ऑफ फेसबुक इज़ वॉट ग्राफ तो ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप हाई पैकेज पे कहीं सैलरी के लिए जाना चाहते हो आफ्टर बी टेक राइट आप कहीं भी मतलब ग्राफ की जो प्रोग्रामिंग है ग्राफ की कई सारे मल्टीपल अप्लीकेशन में ग्राफ का लॉजिक uh, यूज़ uh, होता है राइट इन कंप्यूटर साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ तो so, देखते हैं वॉट इज़ ग्राफ बेसिकली राइट तो ग्राफ इज वॉट तो बेसिकली ग्राफ इन किस डिस्केस मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं किससे जी से राइट तो इस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिस प्रजेंटेड बाई वी एंड वी जी हु द एलिमेंट ऑर द कॉल्ड वर्टिस पॉइंट और नोट ऑफ जी चाहे उसको वर्टिक्स बोल लो चाहे नोट बोल लो राइट एंड ई किससे रिप्रेजेंट कर रहा है एच को पाथ को दो वर्टिस जो कनेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड पाथ या एच राइट इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई जी से जी क्या है ग्राफ ई क्या है एच वी आप वी के वर्टिस ऑफ ग्राफ जी एज ऑफ ग्राफ जी ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिस्टिंग सच ए ग्राफ बाई वी जी वी कौ, वी कॉमा ई तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी और इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं क्या वर्टिस एंड एजेस राइट वर्टिस को स्मॉल यू से

edge e and e or the set of the connected to u and v right basic definition of the graph and few terminology used in the graph theory right or in discrete mathematics what is that D degree of vertices path a simple path a elementary path circuit or closed path or simple circuit path they think basically degree of vertices जो आपको मैंने बताया कि नोट अगर इसकी हम बात करें प्रीवियस एग्जाम्पल की तो यू क्या है एक वर्टिस है इसकी डिग्री कितनी होगी जितने भी इसमें एजेस आ रही हैं या जा रही हैं तो इसकी कितनी एजेस देखो एक दो तीन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी थ्री अब वी वी की डिग्री भी क्या होगी थ्री ठीक अगर ये इसको हम कुछ नाम दे दें मान लो ए है ये जो हमारा वर्टेक्स इसका नाम है इसकी डिग्री कितनी है टू कितनी एज आ रही है इस पर टू डिग्री कितनी है टू क्लियर है वॉट इज डिग्री देख लेते हैं द डिग्री ऑफ द वर्टिस नंबर ऑफ एज इंस इंसिडेंट ऑन ए वर्टिस द सेल्फ लूप इज कॉन्टीन्यूट ट्वाइस द डिग्री ऑफ अ वर्टिस इज नोटेड बाई डीवी राइट पाथ क्या है अगेन हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो भी ये एक वर्टिस को दूसरे वर्टिक्स से जो चीज कनेक्ट कर रही है जिसको आप एज बोल रहे हो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड पाथ राइट अ पाथ ऑफ दिक्वेंस एन प्लस इज एन एज ऑफ द ग्राफ अ सिंपल पाथ सिंपल पाथ क्या है द पाथ इज कॉल्ड द सिंपल पाथ इज नो एज इज रिपीटेड कोई एज रिपीट नहीं होगी इज कॉल्ड सिंपल पाथ है ना इन द पाथ दैट इज द ऑल द वर्टिससेज आर डिस्टिंग्ट एक्सेप्ट दैट फर्स्ट वर्टिस इक्वल टू द लास्ट वर्टिस मतलब लूप कनेक्ट हो जाए जो फर्स्ट वर्टिस है वही लास्ट होगा एंड एलिमेंट्री पाथ क्या है द पाथ इज कॉल एलिमेंट्री पाथ वन इज नो वर्टिस इज रिपीटेड इन द पाथ कोई भी वर्टिस रिपीट नहीं होनी चाहिए एक बर्टिस अगर पाथ लगा उसको रिपीट नहीं करना है दस कॉल एलिमेंट्री पाथ ऑल दर्टिसज आर कॉल डिस्टिंक्ट सारे वर्टिसज डिस्टिंट हैं राइट एंड सर्किट क्या होगा जिसमें लूप कंप्लीट हो जाएगा मैंने बताया था अभी ट्री में भी बताया था आपको कि इस ट्री में क्या होता है लूप कनेक्ट नहीं होता ग्राफ होता है वो भी बट लूप नहीं होता तो जिसमें एक लूप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा मतलब लास्ट और एंड पॉइंट इक्वल हो जाएगा वी जीरो एंड वी एन कोई भी एक वर्टिसेस सेम पाथ पे सेम जहाँ स्टार्ट होगी तो वहीं मिल जाएंगे लूप कंप्लीट हो जाएगा द सर्किट और क्लोज पाथ इज विच इज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर सेम राइट सर्किट पाथ क्या होगा जहाँ सर्किट क्रिएट होगा इज सिंपल पाथ इज विच कॉल सर्किट जहाँ लूप क्रिएट हो जाएगा उस पूरे पाथ को क्या बोलेंगे सिंपल सर्किट पाथ ओके पेंडेंट वर्टिसेस क्या है वर्टिसेस विच डिग्री इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टिसेस मतलब जिसकी डिग्री वन होगी ऑब्वियसली उसमें एक ही एज कनेक्टेड होगी तभी डिग्री वन होगी डिग्री आपको बता चुका हूं क्या होती है राइट तो इस कॉल्ड पेंडेंट वर्टिसेस और जो उस सिंगल डिग्री को जो कनेक्ट करेगा उसे हम पेंडेंट एज बोलेंगे ऑब्वियसली द ओनली एज विच इज एन इंसिडेंट विच एज द पेंडेंट वर्टिसेस इज कॉल्ड द एज, वेरी सिंपल राइट ऑर्ड वर्टिसेस क्या है वेरी सिंपल वर्टिसेस है जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था क्या इसकी डिग्री कितनी थी थ्री तो ये क्या हुआ ऑड वर्टिसेस हुई इसकी डिग्री कितनी है टू इवन वर्टिसेस हो गया डिग्री टू है तो इवेंट डिग्री ऑड है तो ऑड वर्टिश सिंपल राइट तो आपको ऑड इवन वर्टिसेस समझ में आ गया होगा इंसिडेंट एज क्या है अगर डिग्री इवें है तो इवेंट

अगर कोई एज लिंक कर रही वर्टिस उसको बोलते हैं एजेसेंट मतलब यू और वी जो एग्जाम्पल में था वो आपस में एक दूसरे की एडजेंस वर्टिसेस थी बट अगर हम इसी एग्जाम्पल को देख लें तो जो यू और वी हैं, वो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं अगर कोई एक वर्टिक्स यहां होता राइट और इससे इस कनेक्टेड होता बट V जो है इसका एडजेसेंस वर्टिस नहीं है अगर मान लो इसकी वैल्यू दे, दे दें बी तो जो वी वर्टेक्स है वो ए का तो एडजस्टेंट है बट वी का नहीं है यू का नहीं है क्योंकि ठीक है इंडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो समझ में आया होगा आपको लिंक्स इफ देयर इज एन एज यू द दी एन से वर्ट इज इज कॉल्डेंट टू दर्टेक्स यू सेल्फ लूप क्या है स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया सेल्फ लूप बना दिया उसने यू पे ही शुरू हुआ यूपे ही खत्म हो गया तो सेल्फ लूप पता है आपको कटसेट क्या है कंसीडर द ग्राफ जी यू कॉमा वी वी कॉम ई वेर वी इज अ वर्टेस एंड ई इज एच अटसेट ऑफ द ग्राफ जी इज अ स्मॉलेस्ट सेट ऑफ द एज सच दैट द रिमूवल रिमूवल ऑफ द सेट डिसकनेक्टेड ऑफ द ग्राफ वेअ द रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर सबसेट कोई प्रॉपर सबसेट किसी ग्राफ से डिस्कनेक्ट कर दें उसका प्रॉपर सबसेट बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे कटसेट राइट right? तो उसे हम क्या बोलेंगे लेफ्ट कनेक्टेड ग्राफ सब ग्राफ अगर कोई लेफ्ट में कनेक्टेड है right? तो जब उसको प्रॉपर सबसेट डिस्कनेक्ट कर देंगे हम क्या बोलेंगे कटसेट नल ग्राफ क्या होता है ओनली वन आइसोलेटेड वाइट होगा उससे कोई और वाइट कनेक्ट नहीं होगी उसकी जीरो डिग्री होगी दैट इज कॉल्ड नल ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो समझो बात को एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी इज कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ वर्टिस वी एंड सेट ऑफ वर्टिस एच ए द एज ऑफ द कंटें द अनऑर्डर्ड पेयर वर्टिसज यू कामा वी बिलोंग्स टू ई इज एज धन द वी से व्यू कामा वी आर कनेक्टेड बाई द एज वे V वी एंड वी आर वर्टिसन सेट V वी इज वॉट सेट ऑफ वर्टेक्स तो अब इसमें आप U से V जाएं, V से U आए कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है अनडायरेक्टेड ग्राफ है राइट मल्टी ग्राफ क्या है अगर U से V जाने में सपोज दैट अब ये एक रास्ता है ये V है ये V है U एंड V इसमें दो रास्ते हैं जाने को दैट इज कॉल्ड ग्राफ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इफ एन ग्राफ मल्टी एज बिटवीन द सेम सेट ऑफ द वर्टेज और अलाउड इट इज नोन एज मल्टीग्राफ देखिए सेम सेट है है ना व्यू यहां जाने के दो रास्ते हैं एक यहां जा सकते हैं और एक यहां जा सकते हैं डबल पाथ पाथ है मोर देन वन होगा उसे बोलते हैं मल्टीग्राफ राइट डायरेक्टेड ग्राफ क्या है ऑब्वियसली जिसमें डायरेक्शन दी हुई है मतलब यू से अगर डायरेक्शन दी हुई है मान लो ये डायरेक्टेड है तो यू से वी जा सकते हैं वी से यू नहीं आ सकते अगर डायरेक्शन में ये मेंशन है तो देख लेते हैं डेफिनेशन द डायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड डाइग्राफ इज जी इज डिफाइंड एज Unordered pair, unordered pair V, comma E, where V is the set of pointer called the vertices and E is the set of edge. Each edge in the graph G is assigned a direction. Obviously, direction assigned will and that they identify with the ordered pair u, comma v, where v, u is the initial point and u, v, v is the end point. u is the initial point, source point. एंड डेस्टिनेशन पॉइंट इज वी वी से यू नहीं आ सकते मैंने बताया आपको देट इज मैंशन द डायरेक्शन लेट इज कॉल डायरेक्टेड ग्राफ अन डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ क्या है अन डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ मतलब जितने भी हमारी वर्ज हैं जितनी हमारी वर्टिसज हैं वो सारी वर्टिसज सारी वर्टिसज से कनेक्टेड होंट इज कॉल कंप्लीट ग्राफ होगा उसमें डायरेक्शन मैंशन नहीं होगी अन डायरेक्शन कंप्लीट ग्राफ वी कॉमर दी एन वर्टिसज इज अ ग्राफ इज विच इज कॉल्ड वर्टिस इज कनेक्टेड और एवरी अदर वर्टिसज एक वर्टिक्स सारे जितने भी ग्राफ हैं वर्टिस अवेलेबल हैं सबसे कनेक्टेड होगा मतलब सारे वर्टिसेज सारे वर्टिसेज से कनेक्टेड होंगे तो कंप्लीट ग्राफ बोला जाएगा और एज़ेज़ में डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ होगा वो राइट एंड दैट इज द एज एग्जिस्ट बिटवीन द इच पेयर एवरी पेयर डिस्टिंक्ट वर्टिसेज इज इज डिनोटेड बाई द के एन एंड कंप्लीट ग्राफ एन वर्टिसज विल बी है कनेक्टेड ग्राफ क्या है ऑब्वियसली सारे वर्टिसेस कनेक्टेड हैं तो वो कनेक्टेड ग्राफ है कोई भी डिस्टिंक्ट नहीं है डिसजॉइंट नहीं है राइट अ ग्राफ इज कॉल्ड कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम एनी वर्टिसेस यू टू वी एंड वाइस वर्सा यू से वी या वी से यू होना चाहिए दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या है अ ग्राफ इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड इफ देयर इज अ नो पाथ बिटवीन द टू वर्टिसेस ऑफ़ दैट ग्राफ कोई भी ऐसा दो वर्टेक्स जिसके आपस में बीच में कोई कनेक्शन नहीं है कोई पाथ नहीं आने जाने के लिए कनेक्शन का कोई पाथ नहीं दैट इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ अगर कोई दो तीन वर्टिसेस हैं उसमें कोई एक वर्टेक्स भी ऐसा है कि उससे कोई पाथ uh, नहीं है उस ग्राफ से कनेक्ट होने का वो उस ग्राफ का पार्ट तो हो सकता है बट दैट इज कॉल्ड नॉट दैट इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ वो कनेक्टेड नहीं है राइट कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या हैं अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ जी इज कॉल्ड द कनेक्टेड कंपोनेंट कोई भी सब ग्राफ है किसी ग्राफ जी का उसको करें कनेक्टेड कंपोनेंट इफ इट इज नॉट कंटेंड इफ एनी बिगर सब ग्राफ ऑफ जी विच इज कनेक्टेड इट इज द डिफाइंड बाई द लिस्टिंग ऑफ द वर्टिसेज एंड डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ ऑब्वियसली जैसे अनडायरेक्टेड था वैसे डायरेक्टेड है डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ जी ऑन एन वर्टिसज इज अ ग्राफ विच एज द वर्टिसज इज कनेक्टेड एंड एवरी अदर वर्टिसज बाई द एरो एरो क्या करेगा आपको डायरेक्शन बताएगा इट इज डिनोटेड बाई द एन कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या है जस्ट अपोजिट किसी ग्राफ का द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ जी इज डिफाइंड बाई द ग्राफ हैज इट्स सेम नंबर ऑफ वर्टिसेज इन द ग्राफ जी एंड इट्स टू वर्टिसेस कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ आर नॉट रिलेटेड इन द ग्राफ जो आपस में रिलेटेड नहीं है दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के ओके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द ग्राफ तो आपको बताया था एडजेंसेंसी अगर दो वर्टिस आपस में कनेक्टेड हैं उनके बीच में रिलेशन फॉर्म होगा उसमें एक मैट्रिक्स बन सकती है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे होगा इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि ये मैंशनड हैं राइट इफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ है एन वर्टिस डायजेन्सी मैट्रिक्स इज द ग्राफ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड ए इज वॉट ए आई जे डिफाइंड बाई वॉट अगर वी आई जे इज ए अगर दोनों कनेक्टेड हैं तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी वन अगर हमारी दो वर्टिसेस कनेक्टेड नहीं हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो क्या होंगी वैल्यू जीरो तो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा जीरो वन का जो कनेक्टेड होंगी जो मैट्रिक्स उसमें क्या होगा जो वर्टिस हमारी कनेक्टेड हैं वहाँ वन नहीं जीरो ऐसे कुछ मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा ठीक देखते हैं अभी आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ अब डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा अगर हमारी कोई भी जी कोई है उसमें ए आई जे हमारा कब होगा अगर हमारा वी आई एंड वीजे फाइनल और इनिशियल नोट हैं जो कि बताया ग्राफ में होता ही है तो वैल्यू इसकी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगी वन अगर कोई कनेक्शन ही नहीं है कोई एज ही नहीं है वी और यू के बीच में तो ऑब्वियसली वी आई और वीजे के बीच में तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मैट्रिक्स ए आई जी यहां भी फॉर्म हो जाएगा मल्टीग्राफ बताया था मैंने आपको दोबारा देख लीजिए मल्टीग्राफ इज द कैन हैव द मोर देन वन एज बिटवीन द अ पेयर ऑफ वर्टिक्स मैंने बताया था व्यू दो पास मोर देन वन पाथ होंगे तो मल्टीग्राफ होगा एंड मल्टीग्राफ इज दट ऑफ दल्टी सेट ऑफ टू एलिमेंट सबसे ग्राफ एव इन द मल्टीग्राफ बिकॉज ऑफ द डबल एज मोर देबल एज एलिमेंट सबसे बी एंड सी अगर कोई ग्राफ दिया है बी एंड तो देपल एज बिटवीन दफ तो ट्रिपल एज डबल मल्टीग्राफ है एग्जाम्पल करेक्ट है that means है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीग्राफ को अब देखिए अभी तक हम एजेंसी एज एजेंसी अनडारेक्टेड डायरेक्टर में क्या कर रहे थे अगर दो वर्टेक्स कनेक्टेड थी तो उसकी वैल्यू वन कर दे रहे थे नहीं कनेक्टेड जीरो कर रहे थे अब यहाँ पे एक दो वर्टिस बीच में नंबर ऑफ पाथ जितने हैं वो मैंशन कर देंगे दो पाथ है दो लिख देंगे तीन पाथ हैं तीन लिख देंगे वैल्यू क्लियर है कैसे देखिए अब ये जो मल्टीग्राफ है इसमें वर्टिस का है वी वन वी फोर वी थ्री V5 फाइव एंड वी अब देखिए पहली बात ये मल्टीग्राफ है या नहीं है हाउ टू चेक अब V1 से V4 में कितने पाथ्स हैं? ओनली वन V4 में कितने हैं एक तो सेल्फ लूप है दैट इज कॉल्ड सेल्फ लूप ठीक अब V1 से V2 में कितने हैं वन टू थ्री थ्री पाथ्स हैं। राइट अब V2 से V5 में कितने पाथ हैं वन एंड टू राइट V3 से V5 में कितने पाथ हैं वन V5 का सेल्फ लूप भी है करेक्ट है तो अब देखिए मैट्रिक्स कैसे बनेगी अब चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स प्रॉपर बनी है या नहीं मैट्रिक्स किससे पिन कर रहे हैं एम ए से अच्छा देखें एग्जाम्पल है क्या एक्चुअली मल्टीग्राफ डिटर्मिन द मैट्रिक्स वर्टिस दे आर दर्जेंसी मैट्रिक्स विल बी फाइव क्रॉस फाइव का मैट्रिस फाइव क्रॉस फाइव क्यों क्योंकि फाइव वर्टिक्स हैं ठीक है तो मैंने इधर भी फाइव वर्टिसेस मेंशन कर लिया इधर भी कैसे बनेगा चेक कर लेते हैं अब v1 से v से v1 कोई सेल्फ लूप है क्या नहीं है दैट इज कॉल्ड जीरो कोई पाथ नहीं v1 से v1 पे आने के लिए कोई पाथ है सेल्फ लूप नहीं है मतलब जीरो v1 से v2 पे v1 से v2 पे तीन पाथ हैं तो वैल्यू कितनी रख दी हमने यहाँ तीन v1 से v3 v1 से v4 कोई पाथ नहीं है तो जीरो v1 से v5 एक पाथ है v1 से v1 से v5 वी वन से वी फाइव तो कोई पाथ नहीं है तो यहां भी जीरो आएगा राइट वी वन से वी फाइव कोई पाथ नहीं करेक्ट अब देखते हैं वी टू से वी टू से वी वन पे है पाथ तीन है करेक्ट है वी टू से वी टू से वी टू पे सेल्फ लूप नहीं है नहीं है वी थ्री वी फोर पे है वी थ्री पे नहीं है वी फोर पे भी नहीं, है, पे नहीं है, जीरो है V2 से V5 पे दो पाथ हैं दो यहाँ मेंशन है एंड सो ऑन आप खुद चेक कर सकते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी राइट V3 से V V3 से V0 V1 V2 V3 V3 वी थ्री पे कोई सेल्फ लूप नहीं है और V1 V2 से भी कोई कनेक्शन नहीं है दैट्स वाई ऑल आर जीरो V3 से एक पाथ गया है फोर की तरफ एक फाइव की तरफ दोनों मैंशन है वन वन वी फोर से एक वन है सेल्फ लूप है देखिए यहाँ पे और फाइव पे भी सेल्फ लूप है इन्होंने यहाँ दिखाया नहीं यहाँ वन आएगा राइट करेक्ट कर लेते हैं इसको एन वी फोर से कहा गया जीरो ऑब्वियसली वी फोर से सॉरी वी फोर पे सेल्फ लूप है बनाया है करेक्ट ये सही है वी वन पे कोई बात नहीं जीरो ही रहेगा यहां पे वी फाइव सेल्फ लूप है यहां मेंशन किया है इन्होंने वी फाइव से वी टू पे दो पाथ जा रहे हैं और वी फाइव से वी थ्री पे भी पाथ है तो करेक्ट है वी फाइव से वी फोर में कोई पाथ नहीं दैट इज जीरो तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी दैट इज कॉल्ड वॉट एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ दिस ग्राफ आई थिंक सबको समझ में आया होगा राइट एंड कंप्लीट ग्राफ क्या है राइट कंप्लीट ग्राफ मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले किसी भी ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस हैं वो सबसे कनेक्टेड हों जैसे चेक कर लेते हैं अच्छा इसको अब देखिए इसमें जो ये है इसमें एक वर्टिक्स है K1 के वन है इसकी वैल्यू आइसोलेशन है कोई और इसकी डिग्री नहीं है के वन है अब ये टू है इसमें सब इसकी डिग्री क्या वन है? है बट वर्टिस कितनी है के टू दो वर्टिक्सेस हैं ये थ्री हैं ठीक है तो थ्री क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड जब भी इसकी डिग्री मेंशन करनी होगी कंप्लीट ग्राफ है तो डिग्री कितनी होगी नंबर ऑफ नोट्स एन है तो माइनस वन अब देखिए जैसे इसकी इसकी के थ्री है नंबर ऑफ वर्ट नोट्स या वर्टिसेस कितनी थ्री तो इसकी डिग्री कितनी होगी ईच एंड एवरी वर्टिस की तो थ्री माइनस वन है इसकी देखिए सबकी डिग्री टू है कंप्लीट ग्राफ है अगर तो अब इसमें लाइन में कितनी है दो वर्टिसेस हैं तो डिग्री क्या होगी टू माइनस वन तो वन इसकी डिग्री वन है अब देखिए यहाँ पे कितने हैं के फोर तो मतलब वर्टिसेस कितनी हो गई फोर नोड्स कितने हो गए फोर अब देखिए हर डिग्री हर नोड हर नोड से कनेक्टेड है ये है एक इससे भी कनेक्टेड है इससे भी कनेक्टेड है इससे भी कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ जितने वर्टिसेस हैं सबसे कनेक्टेड रहेंगे राइट तो अब इसकी वर्टिसेस कितनी थी फोर तो फोर माइनस वन तो सबकी डिग्री कितनी हो गई थ्री 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 जितनी एज कनेक्टेड है डिग्री ऑफ दैट नोड तो कंप्लीट ग्राफ में कुछ प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि सारे वर्टिसेस एस से कनेक्टेड होंगी आपस में कंप्लीट ग्राफ के डेफिनेशन है ये पढ़ लेते हैं अ ग्राफ जी इज सेट टू बी कंप्लीट ग्राफ इफ एवरी वर्टिसेस जी इज कनेक्टेड ऑफ एवरी वर्टिसेस ऑफ इन जी दस द कंप्लीट ग्राफ जी मस्ट हैव कनेक्टेड द कंप्लीट ग्राफ विथ एन एंड इस बाई के एन एंड दैट इज कॉल्ड दिस अब मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया एन माइनस वन अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो एन माइनस वन जैसे के फाइव है इसकी डिग्री हो कितनी होगी फोर देखिए कितनी कनेक्टेड एक दो तीन चार हमेशा कहीं भी देख लीजिए आप वन टू थ्री फोर इसकी डिग्री क्या होगी एन माइनस वन फाइव है तो फाइव माइनस वन इजिकल टू फोर करेक्ट करेक्ट ये कंप्लीट ग्राफ चेक करने का तरीका था राइट right? अब देखते हैं रेगुलर ग्राफ क्या है व्हाट इज रेगुलर ग्राफ ठीक है तो रेगुलर ग्राफ क्या है रेगुलर ग्राफ ग्राफ वो graph है जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी देखिए अ ग्राफ इज सेट टू बी रेगुलर ग्राफ और के रेगुलर ग्राफ इज कॉल्ड द सेम डिग्री ऑफ के जो डिग्री के है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए राइट right? The graph हुए वट इज इज है डिग्री टू known as two regular graph. A complete graph के एन as degree of the degree n minus वन आपको बताया था मैंने प्रीवियस में अभी राइट right? तो draw the regular graph. अब सपोज दैट कोई भी कंप्लीट ग्राफ तो रेगुलर हो सकता है बट रेगुलर ग्राफ कंप्लीट होगा ये जरूरी नहीं है ये ध्यान देने की बात है कोई भी कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ हो सकता है लेकिन कोई भी रेगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ हो ये जरूरी नहीं है बाईस वर्षा पॉसिबल नहीं है ठीक है तो अब देखिए इसमें क्या है द रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री टू एंड थ्री ठीक है अब ये रेगुलर ग्राफ है इसकी डिग्री कितनी है टू लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है सिर्फ रेगुलर ग्राफ है बट ये क्या है ये रेगुलर ग्राफ भी है और कंप्लीट ग्राफ भी है तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी ग्राफ रेगुलर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं वो कंप्लीट हो लेकिन अगर कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है इसका मतलब कि वो रेगुलर भी है क्लियर है ये बात ठीक है दोबारा समझिए किसी भी ग्राफ को चेक करने का तरीका क्या है जितनी भी रेगुलर है कि नहीं जितने भी वर्टिसेस हैं उसके सबके डिग्री सेम होगी अब स्किप डिग्री टू है स्किप डिग्री टू है स्किप डिग्री टू है स्किप डिग्री मतलब रेगुलर ग्राफ है कुछ और चेक नहीं करना है जितने वर्ट्स हैं सबकी डिग्री चेक कर लो इसमें क्या है सबकी डिग्री थ्री है रेगुलर ग्राफ है लेकिन अब ये ग्राफ किसका है के फोर का है ये भी के फोर है लेकिन इसमें डिग्री टू है इसमें डिग्री थ्री है मतलब के फोर में अगर एन माइनस वन सेटिस्फाई करेगा तो कम्प्लीट ग्राफ हो जाएगा तो फोर माइनस वन इज कॉल्ड थ्री इसकी डिग्री थ्री भी है तो कंप्लीट भी हुआ रेगुलर भी हुआ क्योंकि डिग्री सबकी सेम है और कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन भी फॉलो कर रहा है बट यहाँ पे क्या है ये रेगुलर है सबकी डिग्री सेम है सबकी वर्ट्स की डिग्री टू है बट ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि एन माइनस वन के अकॉर्डिंग थ्री होनी चाहिए डिग्री जो नहीं है तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है सिर्फ रेगुलर ग्राफ है ये वाला कंप्लीट ग्राफ भी है और रेगुलर ग्राफ भी है करेक्ट है डिग्री चेक करेंगे रेगुलर ग्राफ में डिग्री सबकी सेम होगी वर्ट्स की दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्राफ ठीक बाई पैराटाइट ग्राफ क्या है किसी भी ग्राफ को इफ ग्राफ जी इज कॉल्ड बाई पैराटाइड वर्टिसेस वी इसको दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे वी वन एंड वी टू और दोनों ही आपस में सिर्फ एक ऐस से कनेक्टेड रहेंगे इंटरनल आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे दोनों पार्टीशन के डिनोटेड बाई के एम एन वेयर एम एंड एन आर द नंबर ऑफ द वर्टिसेस वी वन एंड वी टू मतलब वी वन में एम नंबर ऑफ रहेंगे वर्टिसेस और वी टू में एन राइट रिस्पेक्टिवली ड्रॉ द बाई पेराटाइड ग्राफ के टू एंड के थ्री एंड फोर इज रजूमिंग एनी नंबर ऑफ एजेस सोल्यूशन फॉर द ड्रॉ द बापेटाइड ग्राफ नंबर ऑफ टू पैलर कॉलम्स रोस और द बायोपेटाइड ग्राफ कॉलम विद द वर्ट इस अदर कॉलम और रो बायोपेटाइड ग्राफ के टू फोर एंड के थ्री फोर आर नेक्स्ट फिगर में देखेंगे हम क्या है देखिए अब इसमें देखिए एक सेट हमारा ये बना और एक क्या बना ये ध्यान से देखिए और समझिए तो ये है हमारा मान लीजिए वी वन ये है हमारा वी टू ये पूरा एक ग्राफ है इसको दो सेट में डिवाइड कर दिया अगर इसको दो सेट में डिवाइड करें पार्टीशन कर दें तो एक पार्टीशन हुआ ये ये बाई पैराटाइड मतलब दो पार्टीशन करने बाई मतलब ही टू होता है ठीक है तो अब यहां पे जो पार्टीशन हुआ किस में है ए वन ए टू ए थ्री तो ए वन किससे कनेक्टेड है बी से इस वाले से कनेक्टेड देख है देखिए ध्यान से ना ठीक है लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है अगर ये कनेक्टेड हुआ तो ये बायपैराटाइड नहीं होगा ठीक है ऐसे ही ये भी एक सेट है देखिए इसको आप वी मान सकते हैं इसको आप वी मान सकते हैं ठीक अब इसमें देखिए आपस में ये कनेक्शन होगा तो बायपेराटाइट नहीं होगा तो ये किससे कनेक्टेड है इस वाले सेट के इस वाले सेट के वर्टेज से कनेक्टेड है वी वन किससे कनेक्ट वी वन से इससे इससे इस अभी ये कंप्लीट बायोपेराटाइट नहीं अगर ये सबसे कनेक्टेड होता तो कंप्लीट तो बायोपैड इस वाला इ, व, सेट वी वन के सेट वी वी टू के सारे वर्टर से कनेक्ट होगा तो कंप्लीट बाईपेराटाइट होगा ठीक है तो आप समझ गए बाई पैराटाइट कब होगा पूरे ग्राफ के दो पार्टीशन कर देंगे और दोनों पार्टीशन के इंटरनल आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे दोनों पार्टीशन आपस में कनेक्शन होगा एज के थ्रू ठीक है इनका आपस में कनेक्शन नहीं होगा आपस में डिसज्वाइंट होंगे ये बट इसके थ्रू आपस में कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड बाई पैराटाइट कंप्लीट बायपैराटाइट क्या है कि जितने भी दोनों हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हों राइट right? अब ये देखिए बाई पैराटाइट ग्राफ क्या है कॉल्ड कंप्लीट बाई पैराटाइट जितने भी वी वन और वी टू हैं ऑल द वर्टिसेस ऑफ वी वन एंड कनेक्टेड विद द ऑल वट इस ऑफ वी टू दैट इज कॉल्ड कम्प्लीट बाई पैराटाइट कैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप अभी देखिए ये एक सेट ये है दैट इज कॉल्ड वी वन और एक सेट ये है दैट इज कॉल्ड वी टू अब देखिए इसकी डिग्री क्या है थ्री क्यों ये कंप्लीट बाई पैराटाइट है कि नहीं नहीं है इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए फोर ये इससे भी कनेक्टेड होना चाहिए था देन बाय पैराटाइट होगा अब सबकी डिग्री फोर होनी चाहिए क्यों फोर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे फोर एलियम फोर वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री थ्री होनी चाहिए क्यों क्योंकि इस वाले सेट में थ्री वर्टिसेस हैं चेक करने का तरीका है कि कंप्लीट बाई पैराटाइट है कि नहीं अब जितने भी आपस में ये कनेक्टेड नहीं होंगे डिस होंगे बट दूसरे ग्रुप में कनेक्टेड होंगे तो वी सबसे कनेक्टेड है यू वन से यू टू से यू थ्री से यू फोर से और यू किस सारे से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट बाई पैराटाइट अब इसमें देखिए इसमें एक सेट है वी इसमें है वी टू डेफिनेशन अकॉर्डिंग देख लें तो अब ये एक ही एज है सॉरी एक वर्टेक्स है लेकिन इसमें कितने हैं फो फाइव हैं इसकी डिग्री कितनी है फाइव इसकी कितनी डिग्री है सबकी वन दैट इज़ कंप्लीट बाई पैराटाइट क्योंकि जितने भी वर्टिसेस हैं इसमें वो सबसे कनेक्टेड है ए वन और ये इसमें कितने हैं वन ये भी सबसे कनेक्टेड है आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए तो कंप्लीट बाई पैराटाइट है आई थिंक समझ में आ गया आप लोग को कंप्लीट बाई पैराटाइट ग्राफ रेगुलर ग्राफ है ना सारी टर्मिनोलॉजीज़ ठीक है थैंक यू गाइस, वी विट इन लेस्ट लेक्चर थैंक यू